कुम्हाड़ी में दुर्गा पूजा कमेटी का हुआ गठन, ग्रामीणों में काफी उत्साह। आज है 27 सितंबर दिन बुधवार। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। गोविंदपुर के कुम्हाड़ी स्थित नवनिर्मित मंदिर में इस वर्ष से मां दुर्गा की प्रतिमा बैठाई जाएगी। इसके लिए ग्रामीणों ने बैठक किया, जिसमें मनोज कुंभकार को सचिव एवं पंकज चौरसिया को अध्यक्ष चुना गया। ग्रामीणों ने बताया कि पहले मां दुर्गा का पूजन करने के लिए लोग जीटी रोड पर जाते थे, जहां भय बना रहता था क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इसमें दौड़ जाते थे। अब ग्रामीणों में इस बात को लेकर उत्साह है कि इस वर्ष से उनके गांव में ही मां का प्रतिमा स्थापित किया जाएगा और बच्चे बड़े जवान सभी यहां ही मां दुर्गा का दर्शन कर पाएंगे। पहली बार आप यहां दुर्गा पूजा का आयोजन करने जा रहे हैं कुम्हाड़ी में, तो आप लोगों के बीच चर्चा के किन किन बिंदुओं पर मुख्य ध्यान दे रहे हैं ताकि शांतिपूर्ण ढंग से पार हो? हम लोग ध्यान दे रहे हैं सबसे पहले सफाई सुथरा का, जो सफाई सुथरा हम लोग अच्छा रहे, और हम लोग मेंबर का चुनाव किए हैं, गठित किए हैं, जो शांतिपूर्ण से पार हो। और हम लोग थाना प्रभारी से भी मिलेंगे, जाकर उनसे मदद मांगे कि हम लोग को मदद कीजिए थोड़ा सा। और उनके बाद जो है हमारा गांव का महिला लोग का बाजार जाने में पूजा करने के लिए बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता था, गाड़ी घोड़ा बाल बच्चा लेके जाने के लिए। इसके चलते हम लोग गाँव वाला सब मिलकर सोचे कि हम लोग इस साल गाँव में मंदिर बनाएंगे, मंदिर बना के दुर्गा पूजा करेंगे। माता रानी का कृपा था जो आज हमारा मंदिर खड़ा हो गया और हम लोग दुर्गा पूजा कर रहे हैं, और सब पूरा गांव वाला हमारा फुल सहयोग कर रहे हैं, और उनकी कृपा से, माता का दानी के कृपा से, गांव का सहयोग से हमारा पूजा पार शांतिपूर्वक से पार होंगे। दुर्गा पूजा के प्रांगण में दुर्गा पूजा समिति का बैठक किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि इस साल दुर्गा पूजा किया जाए। यहाँ तो दुर्गा पूजा पहले नहीं होता था, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, पहली बार है। कमेटी में अध्यक्ष चुने गए पंकज कुमार चौरसिया, सचिव चुने गए मनोज कुंभकार, कोषाध्यक्ष सरोज दास। ये पहली बार आप लोग कर रहे हैं, समाज में फंड कहाँ से है? फंड सब सार्वजनिक जैसे हो रहा है वही सार्वजनिक सबसे लिया जा रहा है। सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मानक होता है, पहली बार आप लोग कर रहे हैं, बाहर से आएंगे तो सुरक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्था आप लोग सोच रहे हैं? सुरक्षा के लिए भी हम लोग सोचे हैं, कुछ मेंबर रहेगा, वॉलंटियर रहेगा, थाना प्रभारी से भी थोड़ा मदद मांगेंगे। नाम बताइए। मनोज कुमार।